हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। आज मैंने एक ही मॉक दिया है और मैं उसी का स्कोर आपके साथ शेयर करूंगी। बट एक्चुअली हो क्या रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ या बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो इसीलिए मेरा कॉन्सेंट्रेशन जो है बन नहीं पा रहा है। और मॉक में तो ठीक ठाक नंबर आ गए हैं, खैर मॉक की दिक्कत नहीं है। बट जो मन लगने वाली बात होती है कि आप अपने पूरे 100% पोटेंशियल से दे रहे हो, तो वो चीज़ मेरे साथ नहीं हो रही है। तो अभी जो आगे वाले जो 3-4 दिन है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं NIACL वाले जो मॉक है वो दूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ एक ही मॉक दिया है उसका। तो शायद मैं अब वो दूँ। एंड RRB के जो मेंस के मॉक हैं, क्लर्क वाले जो इसमें हैं, लास्ट के 3-4 मॉक मुझे लगे थे कि थोड़ा इजी होंगे, बट वो इतने इजी नहीं है। एग्ज़ाम में थोड़े और हल्का आता है, बट इसमें इन्होंने लेवल ही हल्का नहीं किया हुआ है। पता नहीं क्यों, मुझे लगा था कि हाँ लास्ट वाले तो इन्होंने RRB PO में इन्होंने लेवल जो है घटा दिया था, बट इसमें ये शायद भूल गए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये सब मॉक नंबर 1 फ्री मॉक और मॉक नंबर 7 तो मैंने आप दिखा चुका है, और ये मॉक नंबर 8 बताती हूँ। एक किसी ने बोला था, काफ़ी बार बोला उन्होंने कि आपने मॉक नंबर 8 दिया या नहीं दिया, तो मैडम आज मैंने दे दिया है। तो ये है मेरे मार्क्स, 129.1875, रैंक आ गई है 6, परसेंट आ गई है 99। तो ये सब तो ठीक है, बट इसमें सबसे ज़्यादा आपको अजीब सा लगेगा। देखो यहाँ पर जो रीजनिंग में मैंने क्वेश्चन किए, रीजनिंग में मुझे काफ़ी ट्रिकी ट्रिकी सी पज़ल लगी। RRB में ऐसी पज़ल नहीं आती है, खासकर क्लर्क में। बट ठीक है, अब इन्होंने दे रखी है 44 मिनट समथिंग मैंने दिए। यहाँ पर मैंने अटेम्प्ट किए हैं 34, जो कि सारे के सारे सही हैं, एक भी नेगेटिव नहीं हुआ है। तो इसीलिए मेरे मार्क्स जो है वो बढ़ गए, 42.5 हो गए। देन कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा मुझे जो धोखा दे रहा है वो कंप्यूटर। तो अब मैं कंप्यूटर को अभी 3-4 दिन OB की PDF और अगर एक आध कोई मुझे वीडियो सोर्स मिलेगा तो मैं वो भी देख लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अखर रहा है मुझे ये कंप्यूटर। मैंने देखो यहाँ पे 9.5 मिनट, मतलब लगभग 10 मिनट्स दिए हुए हैं। तो अटेम्प्ट किए थे 30, जिसमें से 18 तो रॉन्ग ही हो गए हैं। तो जो मेरे मार्क्स बने हैं देखो 3.75। तो ऐसा ना हो कि मैं सारे सेक्शन कर ले जाऊं और मेरे कंप्यूटर में नंबर ही ना आए एग्ज़ाम में। तो जनरल अवेयरनेस मैंने 11 मिनट दिए, इसमें एक दो क्वेश्चन मुझे थोड़ा लेंदी से लगा, इसलिए मेरा टाइम थोड़ा सा बढ़ गया। मैंने दिया है 33 क्वेश्चन मैंने किए हैं, 8 रॉन्ग हैं। तो जो मेरे मार्क्स हैं वो हैं 23। देन अब आ जाते हैं इंग्लिश में। तो मॉक नंबर 7 मेरे काफ़ी सारे गलत हो गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी करने की कोशिश में पूरा जो सेक्शन है वो बिगाड़ लिया था। यहाँ पर मैंने 25 मिनट्स दिए हैं और मेरे जो मार्क्स हैं वो हैं 26.5, तो ठीक ठाक आ गए। किए कितने थे, 39 किए थे, ठीक है। तो 10 इसमें भी रॉन्ग है, बहुत सिली मिस्टेक है 3 क्वेश्चन में। तो मैंने देखा तो बहुत सिली, मतलब एग्ज़ाम में तो मैं कोशिश करूँगी कि वो मिस्टेक मुझसे बिल्कुल ना हो। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी इसमें थोड़ी सही लेवल की लगी मुझे, इजी ही लगी इनफैक्ट। रीजनिंग थोड़ी ट्रिकी थी इसमें। एंड न्यूमेरिकल में मैंने 27 मिनट दिए, मतलब 28 मान के चलो। और जो मेरे मार्क्स हैं वो कितने हैं, 33.43। एंड अटेम्प्ट किए थे मैंने 28, 1 रॉन्ग है। तो जो टोटल एग्रीगेट बना है वो बना है 129। ये इतने मार्क्स हैं। आप लोगों के कितने आए हैं आप प्लीज़ बताइएगा। और अब आप कौन सा मॉक दोगे आप वो भी देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि लास्ट के एक दो मॉक ही देना इज़ बेटर। अब ऐसा मत करना कि आप एक दिन में दो दो मॉक दे रहे हो, अपने आप को एग्जॉस्ट कर ले रहे हो, ये चीज़ बिल्कुल मत करना, आपके नंबर कम करवा देगी ये, मैं बता रही हूँ। क्योंकि लास्ट में हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमारी स्पीड नहीं आ रही है, हमारा गलत बहुत हो रहा है, तो हम ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, नॉर्मल अपने फ्लो पे चलो। हाँ, NIACL AO का मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि उसमें वैकेंसीज बहुत कम है। उसका पेपर कैसा आएगा पता नहीं, लास्ट ईयर ईजी पेपर आया था, मतलब लास्ट टाइम जब भी हुआ था ईजी आया था, अब कैसा आएगा नो वन नोज। तो उसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते, उसमें हमने थोड़ी मेहनत करनी है। बट क्योंकि RRB क्लर्क मीन्स है, जिसका भी उसको समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम प्री का दे रहे हैं तो हमारा जो स्पीड है बहुत गड़बड़ा रही है। क्योंकि मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी ये पूछा था, तो काफ़ी लोगों ने येस बोला कि हाँ स्पीड में फ़र्क पड़ता है। तो यार इट्स ऑब्वियस, क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़े से लंबे लंबे क्वेश्चन करने होते हैं और वहाँ पर हमें बस फटाफट करते हुए जाना होता है।
तो बस अब इतना ही है, अब आप लोग बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। एंड हाँ, एक और चीज़ थी कि कुछ लोग ना कमेंट्स में काफ़ी अच्छे अच्छे कोटेशंस लिखते हैं, तो मैं ये चाह रही थी कि वो जो कोटेशंस है मैं ये वीडियो में ऊपर फ्लैश करवाऊँ, ताकि आप लोगों को भी अच्छा थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे जो है वीडियो एंड हो। तो आप लोग बताइएगा कि आइडिया कैसा है, और अपने अच्छे अच्छे कोटेशंस जो भी आप दिन में पढ़ते हैं एक आध, तो वो आप प्लीज़ कॉमेंट डाउन कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिले, और जिसका मुझे अच्छा लगेगा तो मैं फ्लैश करवा दूंगी वीडियो में, तो वो थोड़ा और अच्छा लगेगा, काफ़ी सारे लोग उसको देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। एंड अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करिएगा कि इसमें कितने मार्क्स आए हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग, बाय।